ये देखें, ये अगर आपका कैमरा दिखा सके, जी बारीक भी है लंबा भी चावल होता है हाँ, ये। तो काफी बारीक और लंबा चावल है, पर देख के सही। हाँ, और पकाई की भी गारंटी होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना अच्छी क्वालिटी के लिए आजकल परेशान है, अच्छी क्वालिटी लोगों को मिल नहीं रही, और जबकि फिर ये क्वालिटी हल्की होती है। क्वालिटी उससे थोड़ी अब वो ये है, 220 रुपए किलो है 220 सही है, जी, सही। और मगर फिर यही भी पकने में अगर कैसे हैं ये? पकने में अच्छे होते हैं, पुराने चावल होते हैं, सही लेकिन अगर आप ये सोचेंगे 220 रुपए के अंदर आपको 400 वाली चीज मिल जाए, जी, नहीं तो ये ऐसा तो तो फिर बहन नहीं है हो सकता है ना। तो जी, अब ये 25 किलो के अंदर ये पड़ता है 208 रुपए। 208 का हाँ, इतना अब आपको ऐसे ही प्रॉफिट मिलेगा, हर हर चीज में है ना इसी तरीके से। सही अब ये वाला है, देखें ये B2L नूर का, जी। ये B2 है, ये हम बेच रहे हैं गुजारा 190 रुपए 190, जी। अब 25 किलो का बैग अगर कोई लेता है तो सही उसमें ये 180 रुपए का पड़ता है। सही। इसी तरीके से देखें ये वाला है, ये पंजाबी B1 है, पंजाबी पंजाबी B1, ये 230 रुपए का ही है। अगर सही, ये कोई 25 किलो का बैग लेता है तो उसमें ये आपको पड़ता है 218 रुपए का 218 जी। सही। ऐसी ये देखें, ये मूंग की दालें देखें, जी अब डालें, ये देखें इसकी भी क्वालिटी चेक करें, साफ सुथरी दाल होगी, बिल्कुल एक नंबर दाल होगी। सही। अच्छा, मूंग की दाल में भी नंबर 1 और 2 आती है ना? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, चार पांच अच्छा किस्म की आ रही है आजकल तो, अच्छा बिल्कुल फ्राई दाल होती है, एक एक दाना अच्छा बिल्कुल साफ सुथरा, साइज में बड़ा होता है। सही। अब ये अगर कोई 5 किलो लेता है तो उसमें ये 265 रुपये पड़ती है अच्छा, जी, ये 265 रुपये दो पड़ती सौ है, ये पैंसठ 250 रुपये पड़ती है। 250 ऐसी जो है ना, ये दो सौ नब्बे मूंग रुपये की पड़ती भी, है, और ये 300, एक बाप में गलने वाली है ये। अच्छा जल्दी हाँ, पक गलने की जाएगी, गारंटी होगी इसकी। सही। तो इनका रेट ऐसी भी बताए ना, अरहर की दाल के और अरहर की दाल देखें, ये 200 के बड़े होते हैं, देखें ये वाले होते हैं, ये जी। बम चना होता है, ये तो आपको अच्छा हर जगह पे मिलेगा भी नहीं है साइज, अच्छा ये ये साइज सबसे बड़े साइज में होते हैं ये हर जगह पे। ये बेसन है, सही, बेसन बेसन भी खालिस बेसन होगा, एक नंबर अच्छा, जी। चक्की और का जी, और हर चीज का जो है ना देखें स्टॉक भी मौजूद होता है हमारे पास, जाए ये देखें ये हर चीज का स्टॉक भी मौजूद है इस तरीके से। अच्छा ये पूरे क्वांटिटी मौजूद है जी, आपको ये देखें जितना भी चाहिए बल्क में अगर आप लेना चाहें होलसेल के रेट जी पे ही आपको देंगे। जी वाइट लोबिया 140 रुपए का आधा किलो है, 40 का आधा किलो, जोगा दलिया 90 रुपए का आधा किलो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉगर, कैसे हैं आप सब लोग जी। आज हम आपको लेकर आए हैं हुज़ैफ़ा राइस पर, और यहाँ पर मौजूद है राइस की बहुत ही आला क्वालिटी जो कि आपको होलसेल प्राइस में मिल रही है, और इतना ज़बरदस्त चावल होता है इनका कि आप यहाँ से अगर कभी लेंगे तो दोबारा बार बार आएंगे। तो चलें हम आपको यहाँ पे अंदर शॉप का विज़िट कराते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे आपको हुज़ैफ़ा राइस पे क्या क्या आपको मिल रहा है और किस रेट में मिल रहा है। तो यहाँ पे मौजूद है दालें, बेसन, चावल और चना, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो हम आपको सबसे पहले आपको मिल जाए। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता ही, हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं ऐसी शॉप्स, ऐसी वैरायटी जो कि आपको बहुत ही मुनासिब रेट में और अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो इस बार भी हमने आपके लिए ढूंढ निकाली एक बहुत ही ज़बरदस्त सी राइस शॉप हुज़ैफ़ा राइस के नाम से, जहाँ पे आपको मिलेंगे आला क्वालिटी के राइस और मुनासिब रेट में, और वो भी आजकल महंगाई में। तो व्यूवर्स, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मामा व्लॉगर, कैसे हैं आप सब लोग जी। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको ऐसी जगह पे हमेशा विज़िट कराते हैं जहाँ पे बहुत ही मुनासिब रेट में आपको चीज़ें मिल रही होती हैं। कभी हम आपको ड्रेसेस पे ले जाते हैं, तो कभी हम किसी मॉल में ले जाते हैं। तो आज हम आपको लेकर आएँ हुज़ैफ़ा राइस ट्रेडर्स पे। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही मुनासिब रेट लगा दिए हैं, तो अब हम इनसे बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो हमें इनके रेट फिर भी मुनासिब लगे, तो हमने सोचा कि हम आप तक इनको पहुँचाते हैं। हम इनसे बात करते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिफ इकबाल। आसिफ इकबाल, तो मैंने आपके यहाँ की काफ़ी तारीफ सुनी है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है और प्राइस भी मुनासिब होते हैं, तो आप हमें बताइए कि क्या
और कैसे दे रहे हैं, क्या क्या रेट हैं और सब बताइए। अच्छा, प्राइस तो असल में हमारे जो प्राइस होते हैं ना ये आम मार्केट से कम ही होते हैं। अच्छा, तो आप कहीं से भी इंशाल्लाह कंपेयर करेंगे तो प्राइस में आपको शिकायत नहीं मिलेगी। सही। लेकिन ये जब जाहिर सी बात है महंगाई का दौर है, हर चीज के प्राइस तो वैसे ही बढ़ते ही जा रहे हैं। जी। लेकिन ये फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी, बता अपने हिसाब से जो रेट है, रेट जो है मार्केट से कम में ही मिलेंगे इंशाल्लाह। कम में मिलेंगे, होलसेल में हमारा होलसेल है। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आएगा उसे भी डिस्काउंट दिएगा। हाँ, आप इधर आए, इधर देखें जैसे अब जैसे ये वाले, अब आजकल तो यानी कि अब आजकल जो हर कोई जब से यानी कि महंगे हुए ना चावल जी, तो हर कोई यानी कि ये सोच रहा है कि जो ना चीज अच्छी भी मिल जाए और सस्ती भी मिल जाए। लेकिन क्या होता है कि अब आजकल तो महंगे ही होते जा रहे हैं चावल, तो जो स्पेशल बिरयानी के चावल है ना वो दुकानदारों पर अवेलेबल नहीं है हम आजकल, क्योंकि हर कोई फिर हल्के चावल बेच रहा है सस्ते के चक्कर में। तो अभी आप जो हमारे पास अच्छे वाले आए हुए ना देखे, अच्छे वाले भी आए हुए मोहब्बत ब्लू वाला। सही, मोहब्बत ब्लू वाला होता है ये 380 रुपए किलो बेच रहे हैं हम, ये 380 रुपए किलो बेच रहे हैं रिटेल में। अच्छा, अब जैसे अगर आपके चैनल के कोई आता है जैसे जी जी कट्टा लेने के लिए 25 किलो का बैग होता है तो उसमें ये पड़ता है 360 रुपए का, 360 का। अब जैसे ये रेड मोहब्बत है जी, ये 370 रुपए का बेच रहे हैं। सही, अगर इसका 25 किलो का बैग लेंगे तो 350 रुपए का पड़ेगा। क्वालिटी भी आपको दिखा देता हूँ, देखें इसकी ये क्वालिटी, ये देखें ये बेच रहे हैं, ये देखें, ये अगर आपका कैमरा दिखा सके, बारीक भी है लंबा भी चावल होता है, तो काफी बारीक और लंबा चावल है देख के। हाँ, और पकाई की भी गारंटी होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना अच्छी क्वालिटी के लिए आजकल परेशान है, अच्छी क्वालिटी लोगों को मिल नहीं रही जब से महंगे हुए ना चावल। मैंने व्यूअर्स चेक किया, इसमें खुशबू भी है। जब से चावल महंगे हुए ना तो लोगों को अच्छी क्वालिटी मिल नहीं रही। सही। अब जैसे ये देखें ये वाला भी है, ये हम 340 रुपए किलो बेच रहे हैं, और 340 है जी, अगर कोई 25 किलो का बैग लेता है तो उसमें फिर ये 330 रुपए पड़ रहा है। सही, यानी कि क्वालिटी की बात है जी, अच्छा माल आजकल नहीं मिल रहा। हाँ, बाकी सस्ते में तो खैर बहुत सारे होते हैं हमारे पास, सस्ते में देंगे तो 20 रुपए पड़ रहे हैं। अच्छा जी, अब जैसे सस्ते वाले में भी होते हैं, देखें सस्ते वाले में देखें ये, अब जैसे ये भी साबुत चावल है जी, ये भी साबुत चावल है, मगर क्या है कि फिर ये क्वालिटी हल्की होती है, क्वालिटी उससे थोड़ी। अब ये 220 रुपए किलो है, 220 है ये जी। सही, और अगर फिर भी पकने में कैसे हैं ये? पकने में अच्छे होते हैं, पुराने चावल होते हैं। सही। लेकिन ये अब आप ये सोचेंगे 220 रुपए के अंदर आपको 400 वाली चीज मिल जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये रेट यानी कि अच्छे होंगे और रेट मुनासिब रेट होंगे। अब जैसे ये 220 रुपए हम बेच रहे हैं ना जी, तो अब ये 25 किलो के अंदर ये पड़ता है 208 रुपए, 208 का। हाँ, इतना ऐसे ही मिलेगा हर चीज में ना इसी तरीके से। सही। अब जैसे ये वाला है, देखें ये B2 है नूर का जी, ये B2 है, ये हम बेच रहे हैं 190 रुपए, 190 जी। अब 25 किलो का बैग अगर कोई लेता है सही, तो उसमें ये 180 रुपए का पड़ता है। सही। इसी तरीके से देखें ये वाला है, ये पंजाबी B1 है, पंजाबी B1, ये 230 रुपए का ही है। सही। अगर ये कोई 25 किलो का बैग लेता है तो उसमें ये आपको पड़ता है 218 रुपए का, 218 जी। ऐसी ये देखें, ये मूंग की दालें देखें जी, अब दालें ये देखें, इसकी भी क्वालिटी चेक करें, साफ सुथरी दाल होगी, बिल्कुल एक नंबर दाल होगी। सही। अच्छा, मूंग की दाल में भी नंबर 1 और 2 आती है ना? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 चार पांच किस्म की आ रही हैं आजकल। अच्छा, लेकिन ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है। अब जैसे 300 रुपए किलो, 300 रुपए किलो है। अब अगर कोई कम से कम 5 किलो लेता है, जैसे दुकानदार भी आते हैं ना, वहाँ पर दुकानदार आते हैं, अच्छा घरेलू कस्टमर भी आजकल बहुत से ऑनलाइन भी बेच रहे हैं जी, तो उसके लिए भी होता है कि अगर वो कम से कम 5 किलो लेंगी। सही। या कोई भी यानी कि दुकानदार आता है या पकवान वाला आता है, कम से कम 5 किलो अगर वो लेता है, रीसेलर जो खवातीन है जो घरेलू वो भी उनके शॉप वगैरह होती है वो लेती है, तो उसपे भी काफी डिस्काउंट दे देंगे। 290 रुपए ना ये जी, ये 290 रुपए पड़ती है 5 किलो में। सही, 290 रुपए। अब ये चने की दाल देखें जी, ये चने की दाल 260 रुपए। अच्छा, अब अगर कोई कम से कम 5 किलो लेगा तो उसमें 250 रुपए पड़ जाएगी। सही। अब ऐसी जो है ना देखें, लाल मसूर है, ये अगर आपका कैमरा आपको दिखा सके, ये देखें ये, अब ये 300 रुपए किलो है, अगर कोई कम से कम 5 किलो लेता है तो उसमें 290 रुपए पड़ जाएगी, 290। अच्छा, इसमें भी 320 भी है। हाँ, 320 भी है इसमें। देखें क्वालिटी, असल क्वालिटी में देखें थोड़ा बहुत फर्क होता है। अब जैसे चने की दाल है ना देखें, ये 260 वाली है, 280 वाली है। अब 280 वाली है ना, ये बिल्कुल फ्राई दाल होती है, ये बिल्कुल फ्राई दाल होती है, एक एक दाना बिल्कुल साफ सुथरा साइज में बड़ा होता है। अब ये अगर कोई 5 किलो लेता है तो उसमें ये 265 रुपए पड़ती है। अच्छा जी,
ये 265 रुपए पड़ती है, ये 250 रुपए पड़ती है, 250 ऐसी जो है ना, ये 290 रुपए पड़ती है और ये 300 रुपए पड़ती है। सही इस तरीके से। और माश की दाल की ऐसी माश की दाल देखें, माश की दाल देखें, ये भी सुपीरियर क्वालिटी होती है। हमारा बम्पर, अच्छा बम्पर साइज होता है ये जी, ये सबसे बड़े साइज की माश की दाल होती है ये। सही, वैसे 440 साफ है, बिल्कुल एक नंबर माल होगा, देख सकते हैं मैंने भी चेक किया है, तो कचरा इसमें बिल्कुल भी नहीं। और इसमें भी यही है, अगर कोई 5 किलो लेता है तो उसमें 430 डिस्काउंट मिलेगा थोड़ा जी। सही। अच्छा ये दालें जो है ना, ये हमारे पैकिंग में भी होती है, देखें अच्छा ये पैकिंग में भी सारी होती है। अच्छा एक बात आपको और बताऊं जी, अब जैसे इस तरह की दालें होती है ना, देखें ये आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगी, ये आपको सिर्फ हुज़ैफ़ा राइस ट्रेडर्स पर यहाँ पे करीब में मिलेंगी, हर शॉप पे नहीं मिलती। जैसे काली माशे देखें, ये काली माशे व्यूअर्स आप देख सकते हैं, हर शॉप पे नहीं मिलती, ये हमारी दुकान की स्पेशल चीज है। अच्छा ये साबुत माशे देखें, कोई साबुत माश बोलता है, कोई साबुत बोलता है, हमने तो आज तक नहीं पकाई, साबुत माश नहीं पकाया। जैसे व्हाइट लोबिया देखें, ये व्हाइट लोबिया, ये भी हर जगह पर नहीं मिलता, हर जगह नहीं मिलता इस तरीके से। सही। जैसे जौ का दलिया है, ये जौ का दलिया भी हर जगह पे नहीं मिलेगा। जौ का दलिया, सही तरीके। और अरहर की दाल, बारीक है दलिया भी। अच्छा अरहर की दाल में जो है ना, देखें हर तरफ ज्यादातर जगह पर जो है ना शिकायत मिलती है अरहर की दाल में। सही। ये देखें अरहर की दाल भी बिल्कुल साफ सुथरी होगी, एक नंबर है। और गलने की गारंटी होगी, गलने की गारंटी होगी। अच्छा गलने की गारंटी, अरहर की दाल में, अरहर की दाल में जो है ना ज्यादातर ये शिकायत मिलती है, गलती नहीं है। अच्छा और ये एक बात में गलने वाली है ये। अच्छा जल्दी पक जाएगी, गलने की गारंटी होगी इसकी। सही। तो इनका रेट भी बताएं ना अरहर की दाल के। और अरहर की दाल देखें, ये 220 रुपए की आधा किलो है। सही। वाइट लोबिया 140 रुपए का आधा किलो है, 40 का आधा किलो। जौ का दलिया है 90 रुपए का आधा किलो है। ये आधा आधा किलो की पैकिंग बनी हुई है। सही। बाकी जो कोई 5 किलो लेगा, दुकानदार आएगा या कोई रिसेलर आएगी या ऑनलाइन बेचने वाले होते हैं, तो उसके लिए फिर वो मैंने आपको बता दिया, हर चीज के इंशाल्लाह कम हो जाएंगे रेट कम हो जाएंगे, जिससे आप बेफिक्र हो जाए। ऐसी लाल लोबिया भी है, सफेद लोबिया भी है। लाल लोबिया के क्या है प्राइस? लाल लोबिया 240 रुपए का आधा किलो है। अच्छा सफेद लोबिया है, सफेद लोबिया 140 रुपए का आधा किलो है। साबुत ये मूंग छिलका है, मूंग छिलका है 150 रुपए की आधा किलो, 150 की। ठीक है, ये जो है साबुत है, मूंग हरे साबुत जी, ये साबुत में, ये 150 रुपए की आधा किलो, 150 की आधा किलो। सही है, यानी कि 300 रुपए हाँ, किलो हो गई। इसके अलावा आप ये भी देखें, फिर ये देखें, ये सफेद चने, सफेद चने व्यूअर्स देखें, चने 370 रुपए किलो, 370 अभी तो मिल रहे हैं, आप रमजान वगैरह के लिए लेके रख सकते हैं, प्राइस बढ़ गए ना, प्राइस और मजीद तो बढ़ गए। ये चीज तो हम ये बहुत सस्ता बेच रहे थे पहले। अच्छा तो अभी प्राइस बढ़ गए, आप क्या करें, और इससे भी सस्ता था जी। ये काला चना देखें, ये 240 रुपए किलो, ये 240। सही। अच्छा इसके अलावा जो ना देखें, ये भी है, ये इससे और बड़े साइज में भी होते हैं। अच्छा साइज में बड़े हैं थोड़े, ये 440 रुपए, 440 और ये थे 370। और इससे भी बड़े होते हैं, देखें ये वाले होते हैं जी। ये बम चना होता है ये। अच्छा। ये तो आपको हर जगह पे मिलेगा भी नहीं है साइज। अच्छा ये साइज सबसे बड़े साइज में होते हैं, ये हर जगह पे मिलते भी, आम जो शॉप्स होती है उन पे नहीं मिलता, आम दुकानों पे नहीं मिलता इतना बड़ा चना। सही। ये 540 रुपए किलो है, 540 जी, 540 केजी जी। सही। ठीक है, इसके अलावा बेसन वगैरह होता है क्या आपके पास? जी बेसन भी होता है, देखिए ये देखिए ये बेसन है। सही। बेसन भी खालिस बेसन होगा, एक ही नंबर। अच्छा जी, चक्की का जी, और हर चीज का जो है ना देखें स्टॉक भी मौजूद होता है हमारे पास। ये देखिए ये हर चीज का स्टॉक भी मौजूद है तरीके। अच्छा ये पूरा क्वांटिटी मौजूद है जी, आपको जितना भी चाहिए बल्क में अगर आप लेना चाहें होलसेल के रेट पे ही आपको देंगे जी। सही। तो व्यूअर्स जल्द से जल्द इनसे राब्ता कीजिए, और रमजान वगैरह की तैयारी के लिए अभी से आप लेकर स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि रेट मजीद बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा एक बात और मुझे पूछना था, ऑनलाइन कोई मंगाएगा तो आप भेजेंगे या नहीं? नहीं, ऑनलाइन का मसला ये होता है कि असल में लोगों को खुदा के लेना पड़ता है यहाँ पर, वो इस वजह से कि असल में वजन वाला माल होता है ना, तो डिलीवरी करने में मुश्किल होती है, तो
तो ये कि अगर हम किसी को अगर डिलीवरी अगर इस तरीके से हम करेंगे तो वो बहुत महंगा आके लेना पड़ेगा, खुद आके ले लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा फिर आगे लेने में ये होता है कि इंसान अपनी तरफ से देखे, अपने हिसाब से बंदा देख लेता है क्या साइज है क्या क्वालिटी और सही ठीक है प्राइस वगैरह क्वालिटी सब कुछ। अब ये तो चावल भी होते ना, अच्छा मैंने आपको ये सेला चावल तो बताया नहीं, ये देखे बिरयानी के लिए आजकल लोग जो है ना ये सेला चावल बिरयानी के, हाँ जैसे पकवान वाले होते हैं ना जी जी, पकवान वाले ज्यादातर अच्छे चावल लग रहे हैं काफी ना, ये पकवान वाले लेके आते हैं ज्यादा सही, जो शादी वगैरह में जो बन रहा है जी, शादी ब्याह में पुलाव बन रहा है बिरयानी बन रहा है बैठता नहीं है और अच्छा बन रहा है। लेकिन अच्छा मैंने सुना है कि सेला में दो तरह के आते हैं, एक बिरयानी का सेला अलग होता है, सेला सारे बिरयानी के होते हैं, बस क्या होता है लंबाई का फर्क होता है, ये ना देखिए इसकी लंबाई कम है जी, ये 230 रुपए किलो है, ये भी सेल है जी, ये भी सेल है। अच्छा बिल्कुल बासमती बस क्या है, इसकी लंबाई कम होती है, इसकी लंबाई कम होती है तो 230 रुपए का है, इससे और लंबा है तो फिर ये 320 रुपए का है, और जर्दे वाला जो 380 ये जर्दे में भी यही चलता है, जर्दे में भी यही चलता है, जर्दे में पुलाव में बिरयानी में फिर 380 है फिर 390 है फिर 400 है फिर 410 है, इस तरीके से ठीक है। व्यूअर्स हमने आपको ये बात इसी तरह डिफाइन कर दिए कि ऑनलाइन इनका नहीं है, जिसको भी लेना है वो यहाँ पे आके खुद लेना है, और यहाँ पे 240 भाई से रابطہ कीजिए, आप इनसे बात, इनका नंबर स्क्रीन पे चल जाएगा, आप इनसे बात करके इनकी शॉप का एड्रेस वगैरह समझ सकते हैं या पूछ सकते हैं। अच्छा शॉप का एड्रेस भी समझा दें। अच्छा शॉप का एड्रेस जो है ना वो बिल्कुल ईजी है जी, यूपी सराफा बाजार है नॉर्थ कराची, नॉर्थ कराची यूपी सराफा बाजार, यूपी सराफा बाजार के अंदर जैसे ही आप आएंगे तो इधर आप किसी से ही पूछ लें, ये काशिफ ज्वेलर्स मशहूर है यहाँ पर बराबर में, काशिफ ज्वेलर्स के साथ ही है हुज़ैफ़ा राइस ट्रेडर्स, सही इधर की मशहूर ज्वेलर्स की शॉप है काशिफ ज्वेलर्स, इसके साथ ही हुज़ैफ़ा राइस ट्रेडर्स है, सही मेन यूपी सराफा बाजार ठीक है। चले व्यूअर्स फिर अपने मिलते हैं अपनी किसी इसी तरह की दूसरी वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।